हे गाइस, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नोली 6.6 का सवाल नंबर 3 से। इसके पहले हम लोगों ने सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करें। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 3 का ए नंबर है। यहाँ पर आपको चार सवाल मिलेंगे, यानी 3 में ए बी सी डी करके चार सवाल दिए गए हैं। ठीक, जिसमें से पहला नंबर सवाल हमारा लिखा है कि एक वृत्त है जिसका समीकरण ये दिया गया है, और इसकी वृत्त का कोई एक बिंदु है यक्स कामा वाई पर स्पर्श रेखा का जो यानी स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक, मतलब इस प्रकार से कहते हैं कोई एक वृत्त है। ठीक, ये मान लो कोई एक वृत्त है और इस वृत्त का जो समीकरण है वो ये दिया गया है, और कहा गया है कि इस वृत्त का ये वृत्त कैसे बना है, छोटे 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 पॉइंट से मिलकर बना है ना, जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ऐसे 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 करके पूरा बना है वृत्त, है ना, मतलब कई पॉइंट से मिलकर बना है। तो कहते हैं इस वृत्त के कोई एक पॉइंट, मान लो कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कितना है, x1 y1 है। ठीक, तो कहते हैं इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा है। ठीक, इस प्रकार से मान लो इस बिंदु पर, यानी इस बिंदु को छूता हुआ एक स्पर्श रेखा जाता है, तो कहते हैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है, x1 y1 है। ठीक, तो कहते हैं ये जो स्पर्श रेखा, ये जो छू रही है, ठीक, ये जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण आप बताओ। ठीक, ये पूरा सवाल कंडीशन दिया गया है कि इस प्रकार से कहा गया है कि इस प्रकार से एक वृत्त है, उस वृत्त के किसी एक पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है, इससे जो स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है, इस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करके बताओ। ठीक, कितना है ये। ठीक, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले अच्छा, इस रेखा का जो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है, किसी भी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है हमारा y-y1 बराबर में, यहाँ पर होता है आपका m। ठीक, और उसके बाद यक्स माइनस में यक्स वन होता है। ठीक, ये यक्स वन नहीं है, ये सिर्फ यक्स है, यानी यक्स माइनस यक्स वन होता है, ये सूत्र होता है। यहाँ पर ये जो m है ये हमारा होता है प्रवणता, प्रवणता। और प्रवणता क्या होता है, जो भी आपका वृत्त दिया गया है या वक्र दिया गया है, जो भी दिया गया जाए, परवलय वगैरह, तो उसका क्या करना है, उसका जो समीकरण दिया गया है उसको आपको अवकलन कर देना। जब आप अवकलन करेंगे तो dy/dx जो मिलेगा वही हमारा प्रवणता होगा। तो यानी m का मतलब हुआ dy/dx। ठीक, तो dy/dx जो होगा वही हमारा प्रवणता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस m को निकालने के लिए हमें इसका अवकलन करना होगा ताकि हमें dy/dx मिल जाए, और उसके बाद जो पॉइंट दिया गया वो पॉइंट रख देंगे, वही हमारा प्रवणता हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इसका सबसे पहले ये जो वृत्त का समीकरण है इसको यहाँ पर अवकलन कर देते हैं। ठीक, तो इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, और इसको हो जाएगा ये 2y, और dy/dx हो जाएगा। ठीक, और ये ए स्क्वायर क्या हमारा कांस्टेंट है, तो इसको जीरो हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, 2x जो है प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो यह 2y dy/dx बराबर में हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो y जो है यहाँ पर गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, भाग का मतलब हुआ बटा में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर में माइनस x पहले से था, और ये बटा में y भी आपका आ गया, तो बटे में y हो गया, तो ये हमारा dy/dx आ गया। अब हमें जो पॉइंट दिया गया है x1 y1, ठीक, तो ये दिया गया है, इस पॉइंट को जब रखेंगे तो ये हमारा प्रवणता हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग dy/dx, ठीक, इसमें क्या करते हैं, x1 y1 ये जो पॉइंट दिया गया है इसको रखेंगे तो यही हमारा m हो जाएगा। तो x के स्थान पर हम लोग x1 रखेंगे तो हो जाएगा माइनस की x1 बटे में, और y के स्थान पर y1 रखेंगे क्योंकि y1 पॉइंट में दिया गया है, जो भी दिया गया है पॉइंट में वही रखना। ठीक, तो ये हमारा m हो गया, इसी को हम m बोलेंगे। ठीक, ये हमारा m है, तो निकाल लिया अब m। अब आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा के समीकरण जो है उसमें आपको ले जाकर इसका वैल्यू रख देना। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो ये जो सूत्र होता है हमारा y-y1 हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा m, यहाँ पर m होता है, तो m के स्थान पर ये सूत्र आप देख सकते हो, ये यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो m के स्थान पर हमें लिखना है क्या, माइनस का x1 बटे में y1, और उसके बाद x-x1 होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस y1 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा इधर y, मतलब इसको त्रिज्या गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y y1, और ये हो जाएगा माइनस का y1 का स्क्वायर,
बराबर में इसको इधर गुणा करेंगे इस यक्स से, तो हो जाएगा माइनस से माइनस में यक्स, और ये यक्स वन से गुणा करेंगे तो यक्स वन हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस पहले हो जाएगा प्लस, और यक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया। अच्छा, स्क्वायर वालों को एक तरफ कर लो और इन दोनों को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा वाई वाई वन, ये देखो माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यक्स यक्स वन हो जाएगा, और ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यक्स वन का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा वाई वन का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके स्थान पर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो है यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट क्या है, इसी वृत्त का तो कोई एक पॉइंट है, तो यानी कि ये इस पर स्थित है, ये जो पॉइंट है या इस पर इस वृत्त पर स्थित है, तो स्थित अगर है तो हम लोग इसके स्थान पर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर इसके स्थान पर रखेंगे एक्स के स्थान पर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई वन का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है, इसी वृत्त पर तो स्थित है, इसी पर तो स्थित है, देखो, तो इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो रख सकते हैं, अगर रखेंगे तो इसके स्थान पर हम लोग ए स्क्वायर रख सकते हैं, देखो यहाँ पर। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पर ए स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स यक्स वन प्लस में वाई वाई वन बराबर में ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रीजन आप बता सकते हो, चूँकि यक्स वन का स्क्वायर प्लस में वाई वन का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ए स्क्वायर रख दिया। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मैं आपको अगला सवाल बता देता हूँ। तो देखो, ये हमारा सवाल नंबर दो है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर में फोर ए एक्स के बिंदु यक्स वन वाई वन पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना। ठीक, इसलिए भी सवाल वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर समीकरण बदल दिया गया है, यहाँ पर परवलय दे दिया गया, उसमें वृत्त दिया गया था। ठीक, तो हम लोग इसमें भी वही चीज़ करते हैं, सबसे पहले इसका आकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर का, और डी वाई वाई में डी एक्स हो जाएगा। ठीक, बराबर में ये हो जाएगा फोर ए, और यक्स का हो जाएगा एक। ठीक, देखो ये सवाल इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लगा दिया है क्योंकि इसको वीडियो को मैंने ऑन नहीं किया था, तो ऐसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, ऐसे ही बताते चले गए और बाद में देखा तो वीडियो ऑन ही नहीं था। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर इतना बता डाला था। तो फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर देखो ये सवाल और इसके पहले जो ए नंबर सवाल था, दोनों सेम ही सवाल हैं, बट दिक्कत क्या है कि उसमें वृत्त का समीकरण दिया गया था, इसमें परवलय समीकरण। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, ठीक, हमें इसका आकलन कर देना है, इसमें भी वही चीज़ करना है, हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका पहले आकलन कर देंगे ताकि हमें डिवाई बाई डी एक्स मिल जाए, डिवाई बाई डी एक्स के स्थान पर फिर हम लोग ये पॉइंट रख देंगे जो दिया गया है, और जब इसको रखेंगे तो वही हमारा प्रवणता हो जाएगा। हाँ, तो ये दो से इसको काट दिया यहाँ पर, ठीक, तो दो इकन्ना में दो दूना चार हो गया, और यक्स का अवकलन यहाँ पर एक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डिवाइड बाई डी एक्स, इधर हो गया हमारा टू ए, तो टू ए लिख दिया, और बटे में इधर आ गया वाई। ठीक, तो देखो हम लोग यहाँ पर जब रखेंगे तो ऊपर हमारा टू ए था और बटे में वाई था, तो वाई के स्थान पर हो जाएगा हमारा वाई वन। ठीक, और उसके बाद में अब यहाँ पर देखो क्या, उसके बाद में अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, यही हमारा एम है। ठीक, तो ये हो जाएगा, अब हमें यहाँ पर लिखना है स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है सूत्र वाई माइनस वाई वन बराबर में एम, एम के स्थान पर हमें इसको रखना है, तो टू ए बटे में वाई वन, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यक्स माइनस यक्स वन हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा वाई माइनस वाई वन, और वाई वन का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, इधर गुणा करेंगे तो टू ए यक्स हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टू ए यक्स वन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इस वाई वन के, इस वाई वन जो स्क्वायर है इसके स्थान पर देखो सवाल में दिया गया था वाई स्क्वायर में फोर एक्स, जिसका हम लोग आकलन किए। ठीक, तो और इसी परवलय पर जो पॉइंट हमारा दिया गया था यक्स वन वाई वन, ये भी क्या है, ये पॉइंट क्या है, इसी परवलय पर स्थित है, तो हम लोग इसके स्थान पर रख सकते हैं। तो रखेंगे इस पॉइंट को, तो ये हो जाएगा वाई वन का स्क्वायर और फोर ए एक्स वन बन जाएगा, है ना। तो वाई वन के स्क्वायर पर हम क्या लिख सकते हैं, फोर ए एक्स वन। ठीक, तो इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे, तो हो जाएगा वाई वाई वन माइनस में हो जाएगा फोर ए एक्स वन बराबर में टू ए एक्स, सॉरी ये एक्स वन नहीं है, ये एक्स है। ठीक, और माइनस में टू ए एक्स वन हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये यक्स अलग है, यक्स वन अलग है, ध्यान देना, इसको इधर कर देंगे। ठीक,
तो ये हो जाएगा वाई वाई वन बराबर में टू ए एक्स माइनस में टू ए एक्स वन, और ये देखो माइनस में था इधर आ जाएगा प्लस में फोर ए एक्स वन बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन बराबर में टू ए एक्स तो रहेगा ही, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा टू ए एक्स वन बचेगा। ठीक, और यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो टू ए इसमें भी मिल रहा है इसमें भी मिल रहा है, दोनों में कामा ले लेंगे तो वाई वाई वन बराबर में टू ए कामा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा यक्स प्लस में यक्स वन। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं आपको अगला सवाल बता देता हूँ। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर सी है और यहाँ पर लिखा है कि दीर्घवृत्त है, ये हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण है और इसका एक बिंदु ये है और इस पर हमें स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसमें भी हमें वही चीज़ करना है तो यहाँ पर जाएगा यक्स स्क्वायर बटे में टू यानी ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में एक हो जाएगा। इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो जाएगा टू टू यक्स हो जाएगा और बटे में ए स्क्वायर प्लस में इसका हो जाएगा टू वाई और बटे में बी स्क्वायर हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, बराबर में एक का हो जाएगा जीरो। अब हम लोग इसको क्या करेंगे इधर के ले आएंगे तो ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में तो ये हो जाएगा हमारा टू वाई बटे में वी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस का टू एक्स बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो हम लोग बी स्क्वायर को इधर भेजेंगे और वाई को इधर भेज देंगे। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर में बी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और एक्स यहाँ पर पहले से था बटे में इसको त्रिज्या के इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग एक्स वन वाई वन ये जो पॉइंट हमारा दिया गया है इस पे रखेंगे तो ये हमारा प्रवणता हो जाएगा। ठीक, यानी एम बन जाएगा तो एम बराबर कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर एक्स वन वाई वन का जब हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, एक्स के स्थान पर हम लोग एक्स वन रखेंगे और वाई के स्थान पर वाई वन रखेंगे। ठीक, तो ये हमारा एम का वैल्यू आ गया। अब हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेना है। ठीक, तो ये हमारा हो गया और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वाई माइनस वाई वन और बराबर में एम होता है और यक्स माइनस यक्स वन होता है तो यहाँ पर हो जाएगा वाई वाई माइनस वाई वन एम के स्थान पर माइनस में वी स्क्वायर बटे में यक्स वन और बटे में ए स्क्वायर वाई वन और यक्स माइनस यक्स वन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे y1 से इधर गुणा कर देंगे तो y1 को इधर से गुणा करेंगे और उसके बाद इस b स्क्वायर को हम लोग नीचे ले आएंगे। ठीक, तो इसको इधर गुणा करेंगे इसको इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा y y1 और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा y1 का स्क्वायर और इस ये देखो त्रिज्या गुणा करना ना इसको इससे गुणा करेंगे y1 को और b स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे। ठीक, माइनस को उधर उधर ही रहने देना। ठीक, ताकि यहाँ पर सूत्र बन जाए इसलिए हम कह रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर इसको इधर गुणा करो और बी स्क्वायर सिर्फ इधर गुणा करो माइनस वहाँ पर छोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारा बटे में बी स्क्वायर। ठीक, बराबर में इधर बचा हमारा माइनस और यक्स वन और बटे में वाई ये बचा। ठीक, तो इस यक्स वन से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का यक्स यक्स वन और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा यक्स वन का स्क्वायर बटे में नीचे बचा हमारा ए स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई वाई वन बटे में वी स्क्वायर और माइनस में वाई वन का स्क्वायर बटे में वी स्क्वायर बराबर में इसको भी अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा माइनस यक्स वन बटे में ए स्क्वायर और प्लस में यक्स स्क्वायर यक्स वन का स्क्वायर और बटे में ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये माइनस में इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई वाई वन बटे में वी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में इधर यक्स यक्स वन बटे में ए स्क्वायर बराबर में यक्स स्क्वायर यक्स वन का स्क्वायर बटे में ये हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में तो वाई वन का स्क्वायर बटे में वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। देखो सवाल में जो हमारा दिया गया था चूँकि सवाल में दिया गया था यक्स स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में एक यही तो दिया गया था दीर्घवृत्त का समीकरण और इसी दीर्घवृत्त पर जो हमारा पॉइंट स्थित है यक्स वन वाई वन स्थित है तो
हम लोग इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, यक्स वन कर देंगे और इसको वाई वन बना देंगे। तो आ गया यहाँ पर यक्स वन बटे में वाई, मतलब इसके स्थान पर हम एक लिख सकते हैं क्योंकि इसके स्थान पर एक है, तो इसके स्थान पर हम लोग एक लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा ये वाई वाई वन बटे में वी स्क्वायर प्लस में यक्स यक्स वन बटे में ए स्क्वायर बराबर में एक आ जाएगा। ठीक, ये एक क्यों लिखा मैंने, समझ गए ना, यहाँ से लिखा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको फिर से बता दूंगा। ठीक, अगर आपने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वहाँ पर जाना सर्च कर लेना टॉपिक ऑफ नॉलेज, तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप लोग वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके हमें बता सकते हैं। ठीक, जिससे मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपके सवाल को सॉल्व कर दूंगा। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर डी है, यहाँ पर लिखा है यक्स वाई बराबर में सी स्क्वायर के बिंदु और यक्स वन वाई वन पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, इस बार में आपको वक्र का समीकरण दे दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका अवकलन करके और यहाँ पर डिवाइड बाई डी एक्स यानी प्रवणता निकालना। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक, तो हम लोग पहले का अवकलन करेंगे, पहले को छोड़ देना है और दूसरे का अवकलन करेंगे, मतलब ये इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। ठीक, इसको फर्स्ट, ये सेकंड। तो यहाँ पर ये गुणा वाला आपने अवकलन सीखा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स, और नहीं सीखा तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं चैनल प्ले लिस्ट में, चैनल पर जा सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यक्स, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे तो डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस में अब दूसरे को छोड़ देंगे, पहले का अवकलन करेंगे तो एक हो जाएगा। ठीक, बराबर में सी स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे। ठीक, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर जाएगा हमारा यक्स डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में माइनस का वाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस का वाई बटे में यक्स हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट रख देंगे, ठीक, जो पॉइंट दिया गया है, तो ये पॉइंट रखेंगे और यही हमारा m का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 y1 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा y1 बटे में नीचे x1 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इस m के वैल्यू को स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है उसमें रख देंगे, बस हमारा फिर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर में m x माइनस x1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस y1 बराबर में m के स्थान पर माइनस का y1 बटे में x1 है, और ये x माइनस में x1 हो जाएगा। ठीक, इसको त्रिया गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x1 y और माइनस में x1 y1 हो जाएगा, बराबर में इसको इधर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा x y1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x1 y y1 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग इसको इधर क्या ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा इधर यक्स वन वाई हो जाएगा, और इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस में है, तो हो जाएगा यक्स वाई वन हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो ये यक्स वन वाई वन है, और प्लस में हो जाएगा यक्स वन वाई वन। ठीक, तो एक एक दो हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स वन वाई प्लस में यक्स वाई वन बराबर में टू यक्स वन वाई वन हो जाएगा। और देखो इसके स्थान हम क्या कर सकते हैं, सवाल हमारा दिया गया था यक्स वाई बराबर में सी स्क्वायर। ठीक, ये दिया गया था। अब देखो इसी वक्र पर, जो वक्र का समीकरण दिया गया था, इसी वक्र पर तो हमारा जो पॉइंट दिया गया था यक्स वन वाई वन, वो इसी पर तो स्थित है। अगर इस पर स्थित है तो हम लोग यक्स और वाई के स्थान पर वो पॉइंट जो दिया गया है उसको रख सकते हैं। ठीक, रखेंगे तो ये यक्स वन वाई वन बन जाएगा, तो यक्स वन वाई वन के स्थान पर अगर सी स्क्वायर है तो यानी हम इसको इसके स्थान पर रख सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर देखो ये एक्स वन वाई वन है, इसके स्थान पर हम सी स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा अब एक्स वन वाई प्लस में यक्स वाई वन बराबर में टू, और इसके स्थान हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो आपको हम अगली वीडियो बता देंगे, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, और चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।